आज ही इंदौर में, आज ही इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पे तीन दिन पहले 307 लगाई, 307 का प्रकरण लगाया और आज ही उससे नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी से नामांकन डरा के धमका के प्रशासन के पुलिस के बल पर निकलवा दिया। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता से, ग्वालियर चंबल की जनता से, इंदौर की जनता से, क्या कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? ऐसा जिसमें विधायकों की मंडी लगी पिछले 5 साल पहले, ऐसा जिसमें नरेंद्र मोदी ने 17 सरकारें गिरा दी, ऐसा जिसमें विधायकों की बिक्री होती है, ऐसा जिसमें सांसद खरीद फरोख्त होते हैं, ऐसा जिसमें दिन भर प्रशासन का एक ही काम है, जिसमें विपक्ष के दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा, कैसा देश बनाना है आपको, कैसी व्यवस्था बनानी है आपको? ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो जाए और जनप्रतिनिधि बिना वोट से चुन के चला जाए, ऐसा देश चाहते हो आप लोग? अरे ऐसा देश चाहते हो आप लोग? तो वोट की ताकत के लिए आप सबको ध्यान रखना है। जैसा प्रवीण पाठक के लिए सब परिवार के लोगों ने भी कहा, एक सभ्य व्यक्ति है, एक सुशील है, भाषा की मर्यादा है, पर भरपूर है, काम करने वाला है, नहीं डरने वाला है, संसद में आपकी आवाज उठाएगा, आपके लिए लड़ेगा, किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से टकराएगा। यहाँ के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी से भी दो हाथ करने पड़े तो पीछे नहीं रहेगा प्रवीण पाठक। मैं यही आपसे अंत में आपसे आग्रह करा, जात पहले पात पे मोहर लगेगी, फिर से जात पहले पात पे मोहर लगेगी। धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा दबाव में निकलवाया है, बीजेपी दबाव डालकर कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, दबाव में आकर कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है, भाजपा जहां इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस्तीफा मांग रही है, वही जीतू पटवारी भाजपा पर ही पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने अक्षय बम को डरा धमकाकर जबरन उनका नामांकन फॉर्म वापस कराया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो, तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा। तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश में आज एक नया भूचाल आ गया। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी द्वारा भाजपा विधायक के साथ जाकर अपना नामांकन फॉर्म वापस लेके बाद कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भाजपा सरकार पर तानाशाही करने और पीएम मोदी को तानाशाह बताने वाली कांग्रेस को आज एक मौका और मिल गया और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से भाजपा पर जमकर हमला बोला। ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पाठक के लिए ग्रामीण अंचल में आमसभा लेने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब बिना वोट डाले विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी पर 307 की धारा लगवाई गई, डराया धमकाया गया, कई तरह की यातना दी गई और आज सुबह कांग्रेस प्रत्याशी को ले जाकर फॉर्म वापस करवा लिया। पटवारी बोले, ये क्या संदेश है? भाजपा आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करने देना चाहती। पूरे प्रदेश और देश से मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र में यदि आपको विश्वास है तो इस तानाशाही के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, उसे मजबूत रखना है तो इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के 17 साल पुराने एक केस में पुलिस ने नामांकन वाले दिन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी थी। भाजपा ने इस आधार पर बम का नामांकन खारिज करने की मांग की थी कि अक्षय ने शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने भाजपा की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इस मामले में बम को 10 मई को कोर्ट में हाजिर होना है।